सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम एडवोकेट आशीष कश्यप। आशीष जी, आज तक नंदनगरी बार एसोसिएशन में आज तक चुनाव नहीं हुए, लेकिन आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी जो आप इस मैदान में उतरे हैं? देखिए, यहाँ पर बार 2013 में ब्रश कट गई थी, उसके बाद जो हमारे बार के कैंडिडेट थे, जो बॉडी थी, उन्होंने कोई भी इस सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए कोई भी वर्क नहीं करा। इसलिए मैं इस बार के खिलाफ जाकर के इसको मैं रीओपन इलेक्शन करवाया है मैंने, क्योंकि अगर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हमारे जो एडवोकेट हैं यहाँ उनका काफ़ी हनन हो रहा है, मेरे पास शिकायत आती हैं, क्योंकि यदि हमारी वार में एकजुटता रहेगी, ताकत बनी रहेगी, तो हम किसी भी परेशानी का सामना करना जानते हैं। मतलब किस बात का हनन हो रहा है, या किस बात को वकीलों को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है? एक्चुअल में यहाँ की जो प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले तो यहाँ की पब्लिक पैलेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पब्लिक आती है। ये तो है नहीं कि वे यहाँ से पैदल आएंगे, उनके पास वाहन भी होते हैं, उनके पास बाइक भी होती हैं, उनके फैमिली भी आती हैं, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा, डॉक्यूमेंट का ज़्यादा काम होता है। यहाँ पर हमारे माननीय अधिकारी बैठे हैं, डीएम साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी, एडीएम साहब भी, सब रजिस्ट्रार साहब भी हैं, और कई डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं सरकारी, जिसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा बना रहता है। और हम लोग यहाँ 71 एडवोकेट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। इसलिए हमने नंदनगरी बार एसोसिएशन को एक मजबूत दिशा देकर के हम सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि यहाँ पर एक शौचालय का काम किया जाए, टॉयलेट का काम किया जाए, और यहाँ के आने वाली जो परेशानी पब्लिक को होती है आने जाने में, जैसे मीन्स पार्किंग की प्रॉब्लम ले लो, यदि कोई यहाँ बहन बेटी आती हैं तो उन्हें टॉयलेट जाने की बड़ी दिक्कत होती है, हमें बड़ी बड़ी महसूस होती है, क्योंकि परिवार की होती है वो भी हमारे, इसलिए इन सभी हमारे मुद्दा है। और हम ये चाहते हैं कि एकजुटता के अनुसार में, एक नेतृत्व में रह करके हम इस समस्या का समाधान करेंगे, और वकीलों के हित में मैं काम करूंगा। अगर मैं इस बार जो है, इस बार क्या, यहाँ चुनाव हुआ ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ, चुनाव तो मैंने ये लगन करके, इसके बार एसोसिएशन का विरोध करके इस चुनाव को मैंने इलेक्शन के लिए तैयार। क्या वजह रही है कि आज तक नंदनगरी बार एसोसिएशन ने, आप बता रहे कि 71 वकील हैं, 71 एडवोकेट, आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या, क्या कमी रही कहीं ना कहीं इसमें? कहीं हमें लोगों की कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, क्योंकि वो हम कुछ, क्या तो हम बॉडी में आ जाते हैं, काम नहीं करते, या अधिकारियों के नेतृत्व में, दबाव में आकर के, या किसी स्वार्थ के चक्कर में आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते, ये उनका मेन कारण रहा, जिसकी वजह से हमारे जो एडवोकेट हैं उनका हनन हो रहा है। अंदर की बात चले जाएं, हमें 10 की जगह 20 रुपये देने पड़ते हैं, वो मजबूरी में देने पड़ते हैं, सुविधा शुल्क कहते हैं उसको, लेकिन हम उस पर भी अंकुश लगाएंगे। अच्छा, बाहर कुछ लोग ऐसे, एसडीएम कोर्ट के बाहर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आपको वकील बताते हैं, लेकिन वो वकील होते नहीं, और बाहर अतिक्रमण का पूरा मतलब मामला गंभीरता से बना पड़ा है, तो ये सबसे बड़ी वजह क्या है, इसमें किस किस की कमी है? ये एक एडवोकेट की गरिमा पर लक्षण लगा, यानी कि उस पर प्राइवेसी पे कटाक्ष करने वाली बात होती है। यदि एडवोकेट नहीं होते और वो अपने आप को एडवोकेट बताते हैं, उससे क्या है, एडवोकेट की प्राइवेसी को दाग पोस्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं इसमें, इस पर जो बाहर जो एजिंग कोर्ट की जो हार जो बाहर जो दलाल खड़े हुए हैं, या महिलाओं से कोई भी राशन कार्ड बनवाना था, कोई भी किसी तरह सा काम करवाने आता है, या वकीलों का भी सहयोग उसे चाहिए, तो वो आप तक वो पहुँच नहीं देते। हमारी यूनिटी न होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। यदि हमारी यूनिटी बनेगी और उसे मजबूत तरीके से लेके चलेंगे, तो ऐसा इस पर हम अंकुश लगाएंगे। तो फिलहाल आपको मतलब पूरे एडवोकेट का सहयोग यहाँ से प्राप्त हो चुका है? बिल्कुल बराबर सहयोग है। फिलहाल जनता को इसको, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं जनता को ये देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी वो नंदरा के बाहर स्टेशन में आएंगे, किसी की शौचालय के जाने की प्रॉब्लम होगी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई मेरे भाई बहन स्कूटी पे वाहन पे आते हैं तो उनको गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत होती है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अंदर से जो भी डॉक्यूमेंट उनका रजिस्टर्ड होता है, यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो हमारे ऑफिस पे आकर के बार में आकर के कंप्लेंट करें और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे।